नमस्कार दोस्तों, मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फैंटेसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से मैंने एक नया स्टार्टअप किया है कि देखते हैं कि ऐसा टाइप का वीडियो आपको कैसा लगता है। वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, समझना है कि किसको किसको बंदे को रोटेट करके जाना है। और ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो मुकाबला है ना, ये टेस्ट का मुकाबला है और ये 4 दिन आपको चलने वाला है। जैसे कि मैं आपको हर बार फॉलो करता हूँ और हर बार मैचेस वगैरह हम लोग खेलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये पहले सबसे पहला बात है कि ये वीसीटी यानी कि विक्टोरिया और क्वींसलैंड के बीच में मुकाबला होने वाला है। दोनों टीम के कैप्टन आपको दिख जाएंगे, विल सदरलैंड और वो आपको उस्मान ख्वाजा दिख जाएंगे, ठीक है। ये शेफील्ड शील्ड का मैच होने वाला है भाई। आगे बात करते हैं कि किस किस को अपने टीम में लेकर के जाना है, कब मैच है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। और प्लस एक चीज मैं बता दूं ना कि आपको इस मैच में आपको 200 रुपए गिव अवे भी है, जैसा भी चैनल है भाई उस टाइप का गिव अवे भी मैंने ले रखा है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान देकर के चलना कि आपको क्या करना है, किसको लेकर के जाना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो, ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक टेस्ट है भाई, 5 बजे सुबह में ये आपको मैच होता हुआ दिखेगा, 16 नवंबर, जो कि आज ही के दिन 225 रन यहाँ पर एवरेज स्कोर बनते हैं। रेनी सीजन अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश की संभावना आपको देखने को मिल सकती है, तो ये ध्यान देकर के चलना। अगर मैं बात करूँ ना, तो दोनों के बीच के मुकाबले अभी तक 4 हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें से विक्टोरिया की टीम 1 जीत करके आ रही है और क्वींसलैंड की टीम 2 मुकाबला जीत करके आ रही है। लेकिन आप बोलोगे कि भाई दोनों को मिला करके तो 3 ही हो रहा है, 4 क्यों नहीं हो रहे? तो भाई देखो, 4 इसलिए नहीं हो रहा ना कि एक मैच इनका एबंडेंड हो गया था, पानी की वजह से, बारिश की वजह से वो मैच रद्द हो गया था, ठीक है। तो ये ध्यान देकर के चलना। थोड़ा वीडियो को आप थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे और समझाने का आपको मैं प्रयास करूंगा किसको अपनी टीम में लेकर के जाना है और किसको अपनी टीम में से ड्रॉप करना है, ठीक है। तो ये देख लोगे ना, तो आपको बॉलिंग साइड से आपको दिख जाएगा यहाँ पे कौन। अगर मैं पिच का बिहेवियर देखूंगा ना, तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मैच होने वाला है, ठीक है, अफगानिस्तान ने, सॉरी, यहाँ पे अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया मैच होने वाला है। किस ग्राउंड पे होने वाला है? तो बॉलिंग साइड को यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा फेवर आपको देखने को मिल सकता है, तो ये भी ध्यान देकर के चलना। अब बात आती है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने का, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल दिख जाएगा और ये हमारा टेलीग्राम का इंटरफेस ऐसा सुजय फैंटेसी कर करके आपको दिख जाएगा। कैसे आपको ज्वाइन होना है भैया, इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है। तो डायरेक्टली जाकर के आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ऐसा इंटरफेस दिखेगा और आराम से आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। बीसीटी और क्वींसलैंड के बीच में ये मैच होने वाला है, सबसे पहले मैंने बता रखा। और अब बात आता है कि गिव अवे का, तो गिव अवे में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना जो हमारे सब्सक्राइबर्स है। मैंने पहले लिखा भाई कि गिव अवे सिस्टम जो है ना हमारा, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। वीडियो को क्या करना है, आपको पहले लाइक कर लेना है, ठीक है, और बताना है, और हैशटैग वीसीटी वर्सेस QUN ये जो यहाँ पर लिख रखा है ना मैंने, वो आपको कर लेना है भैया। उसके बाद बताना है कि सबसे ज्यादा पॉइंट ड्रीम इलेवन पे बैटिंग सेशन से कौन सा बंदा देगा, उसका नाम लिखना है, और सबसे ज्यादा पॉइंट ड्रीम इलेवन पे बॉलिंग सेशन से कौन सा बंदा देगा, उसका नाम लिखना है। अगर आपका ये जवाब सही हो जाता ना भाई, आराम से आप 200 रुपए विन कर लोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो, फर्स्टली मैं डिस्कस करके आपको बताता हूँ कि विक्टोरिया की जो टीम है ना, उनके बारे में फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक ये मुकाबला 4 मुकाबला खेल के आ रही है, पहला मुकाबला हारी, दूसरा मुकाबला हारी, तीसरा मुकाबला जीत कर गए, चौथा मुकाबला इनका ड्रॉ रहा, ठीक है। तो ये देखना कि इनके टीम में से आपको किसको लेकर के जाना है और किसको नहीं। और एक चीज मैं आपको बता दूं ना कि दोनों टीमों का प्लेइंग 11 आ चुका है, स्क्वाड भी डिक्लेयर हो चुका है कि किसको अपने टीम में लेकर के जाना चाहिए और किसको ड्रॉप करना चाहिए। तो चलो आगे बात करते हैं। अभी तक तो इन्होंने एक ही मुकाबला जीत रखा है, दो हार रखे हैं इन्होंने और एक ड्रॉ हो रखा है इनका, ठीक है। इस तरह का आपको प्लेइंग 11 देखने को मिल सकता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। हालांकि इनका स्क्वाड डिक्लेयर हो चुका है कि कौन से 15 खेलने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो ये ध्यान लेकर के चलना है, ऐसे ही टाइप ऑफ प्लेइंग 11। अब साथ में मैंने साइड में बैटिंग स्टाइल भी ले रखा है, तो ये भी आप ध्यान लेकर के चलना भाई। आगे बात करते हैं, तो देखोगे तो ट्रेविस डीन आपको यहां से दिख जाएंगे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है आपके लिए। और इनका जो परफॉर्मेंस है ना, अब रिसेंटली वाला जो अभी इस सीरीज में बंदा खेल रहा है, उसमें क्या परफॉर्मेंस है ये देखो आप। 87 रन है, 22 रन है, 13 रन है, 2 रन है, 39 रन और 53 रन है, कुल मिलाकर परफॉर्मेंस भैया बहुत अच्छा खासा है। और इनको मैं बोलूंगा 100% आप अपनी टीम में लेकर के जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना इनको, ठीक है। तो ये बंदा आपके लिए अच्छा खासा पिक बनेगा। प्लस विल पुकोस्विक की आपको दिख जाएगा, 39, 33, 3 और 26, कुछ खास नहीं बना, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो भी खास बंदा नहीं रहेगा, जिनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहेगा, उनको हम लोग सीधे सीधे ड्रॉप कर देंगे अपनी टीम में से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई। आगे बात करते हैं, तो आपको कैंपबेल के अलावा दिख जाएंगे, इनका भी कुछ खास मुझे अभी तक अभी हालांकि, लेकिन लास्ट वाले मुकाबले में 51 रन बना करके आया था, 0 विकेट, 4 ओवर डाला भी था, बॉलिंग ज्यादा बॉलिंग करता नहीं है हालांकि, ठीक है, लेकिन लेकर के जाना चाहते हो तो लेकर के जा सकते हो, बट मेरे टीम में अभी के लिए फिट नहीं बैठ रहा है भाई, ठीक है। पीटर हैंडसकॉम आपको दिख जाएंगे, 31 रन है, 2 रन है, 11 रन है, 43 रन है, 43 रन है, फिर 90 रन है, फिर 52 रन है, कुल मिलाकर पीटर हैंडसकॉम बहुत अच्छा खासा बंदा आपके लिए दिखने वाला है। तो ये देख करके चलना और अपने टीम में लेकर के जाना, ठीक है। तो एक ट्रेविस डीन है और पीटर हैंडसकॉम, ये दोनों बंदा आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। जोनाथन मार्लो कुछ खास आपके लिए करता हुआ नहीं दिखेगा, हालांकि इनके जो पिछले साल का रिकॉर्ड देखोगे ना जोनाथन मार्लो का, तो वो अच्छा खासा उसमें परफॉर्मेंस करके आया था, बट देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। यहाँ पर देखो तो विल सदरलैंड आपको दिख जाएंगे, कैप्टन है जो इस टीम के,
एक रन 3 विकेट 19 ओवर है इनका, फिर 6 रन है, फिर 28 रन है, फिर 18 रन है, फिर 7 रन है, फिर 3 विकेट है, फिर 3 विकेट है, फिर 0 विकेट है। कुल मिलाकर के विल सदरलैंड जो कि इस टीम के कैप्टन है भाई, लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट हैंड मीडियम फास्ट आपको बॉलिंग करता हुआ दिखेगा और ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया ऐसे ही आ रहा है और ऐसे ही परफॉर्मेंस किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इनसे ज्यादा बैटिंग से ज्यादा उम्मीद मत रखना, बॉलिंग से ही ज्यादा आपको उम्मीद रखना है और अपनी टीम में लेके जाना है। सैम हार्पर विकेट कीपिंग सेक्शन से दिख जाएगा आपको, ज्यादा कुछ खास ये बंदा दिखने वाला है नहीं, लेकिन एक तो आपको विकेट कीपिंग का पॉइंट देगा प्लस आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देने वाला है, तो भैया आप लेकर के जा सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं मिचेल पैरी। आप इनका देखोगे ना तो 3 रन 1 विकेट 30 ओवर है, फिर 43 रन है, फिर 37 रन 3 विकेट है, फिर 1 रन 3 विकेट है, फिर 29 रन है 1 विकेट, फिर 26 रन है। कुल मिलाकर परफॉर्मेंस दे रहा है भाई आपको। ठीक है, बोल रहा है कि मुझे ट्राई करके जाना, ऑफ ब्रेक आपको बॉलिंग करता हुआ दिखेगा, इंपॉर्टेंट बंदा बनेगा, ठीक ठाक है, अगर बंदा खेलता है तो फिर मेरे टीम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लास्ट में जूनियर टीम डिस्कस करेंगे, फर्गस ओनील लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 1 विकेट, फिर 24 रन 4 विकेट, फिर बंदा 70 रन 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट। कुल मिलाकर के बंदा बैटिंग से भी परफॉर्मेंस कर रहा है और प्लस आपको बॉलिंग से परफॉर्मेंस तो किए जा रहा ही किए जा रहा है, इसमें तो कोई नो डाउट है, आप अपने टीम में लेकर के जा सकते हो अगर प्लेइंग 11 में खेलता है तो। और इनकी टीम पर फर्स्ट बॉलिंग करेगी ना, बिकॉज एक दिन बारिश की संभावना है भाई इस मैच में, तो आप उस हिसाब से लेकर के जाना जब आपको लगे कि हाँ अब लेकर के जाना ठीक रहेगा तो ये समझ के जाना। ठीक है, स्कॉट बॉलैंड आपके लिए दिख जाएंगे भैया, ये तो आपको मालूम ही है बीबीएल खेलता है उसमें कितना खतरनाक वाला परफॉर्मेंस दिया जाता है, तो 100% आपके टीम में होने चाहिए। आगे बात करोगे ना तो मार्कस हैरिस दिख जाएंगे आपको, अभी तक बंदा कुछ खास नहीं कर पा रहा था लेकिन जो लास्ट वाले मुकाबला खेल के आया ना उसमें 164 रन बनाया लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, बहुत ही तगड़ा वाला परफॉर्मेंस दे करके आ रहा है, तो ये ध्यान लेकर के चलना कि किसको कब और कैसे रोटेट करके जाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई तो जेवियर क्रोन दिख जाएंगे जो कि कुछ खास आपके लिए बंदा दिखेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद सारे जो मैंने आपको दिखा रखे हैं ना भाई, ये सारे इनके प्लेइंग 11 में अनाउंस हो रखा है, उन्हीं में से मैं किसी न किसी को लेकर के जाऊंगा और उन्हीं में से किसी न किसी न कोई खेलेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान देकर के चलना, तो ये सारे हो गए और बाकी सारे बेंच के प्लेयर जो कि खेलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये सारे बंदे खेलने वाले हैं नहीं। ठीक है, बिकॉज इनका स्क्वाड डिक्लेयर हो चुका है तो इनमें से कोई खेलने वाला है नहीं, तो इसलिए इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्वींसलैंड की जो टीम है ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर आपके लिए एक सबसे बड़ा काम बन जाता ना, एक तो लाइक बनता है भाई, इतने सारे मेहनत करने के बाद, इतने सारे स्टैट्स निकालने के बाद और एक लाइक नहीं करते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो। ठीक है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है ना उनको कहने की जरूरत नहीं है, जो हमारे नए व्यूअर्स है ना उनको मैं बोल रहा हूँ भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और बहुत ही मजेदार वाला ये अब से रेगुलर आपको वीडियो प्लस टीम सारा कुछ आपको मिलते चला जाएगा, प्लस हमारे टेलीग्राम पे तो आपको मिल ही रहा है। चलो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्वींसलैंड की जो टीम है ना ये 4 मुकाबले खेल करके आ रही है ड्रॉ, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, आपको वीडियो कैसी लगेगी ना वो भी बता देना भैया कमेंट सेक्शन में कि हाँ ऐसा टाइप का कोई वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ पहला मैच जीतकर रहा, फिर विन, फिर लॉस, लॉस, लॉस। ठीक है, तो ये भी कोई बड़का तुरंत खान नहीं बनी है, एक ही में मुकाबला जीत करके आ रही है टीम, और देख लो इनका भी स्क्वाड डिक्लेयर हो चुका है, ये सारे बंदा को खेलते हुए दिखेंगे, इनमें से 3 बंदा और है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से 3 बंदे एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं इस बार जो कि आपको खेलते हुए दिखेंगे। ठीक है, यहां से देखोगे तो जो इस बंदे का स्टैट्स है ना, ब्राइस स्पीड जैसे 45 रन है, 0 रन है, 56 रन है, 3 रन है, 5 रन है, 47 रन है, 4 रन है, कुल मिलाकर परफॉर्मेंस ठीक ठाक करके आ रहा है, बंदा आपको परफॉर्मेंस करके दे सकता है। ब्राइस स्पीड नाम ध्यान रखना, लेकिन ओके ओके है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस है वो करके देगा। हाँ, अगर पहले बैटिंग करता है इनकी टीम और बारिश की संभावना देख लेंगे भैया कि पिच रिपोर्ट क्या है, वैसे तो मैंने आपको पिच रिपोर्ट बता दिया अभी तक का चेक करके कि बारिश की संभावना है इस मैच में, तो उस हिसाब से फिर हम लोग लेकर के जाएंगे। और जब तक मैं टेलीग्राम पे आपको ना बताऊँ ना तब तक आप इन्वेस्ट मत करना भाई, मैं टीम दूंगा तभी इन्वेस्ट करना, सुबह के 5 बजे मैच है, अलार्म अभी के अभी आप सेट कर लो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, मैट रेंसो राइट हैंड बैट्समैन, 17 रन 0 विकेट 4 ओवर है, 55 135 57 और 26, कुल मिलाकर परफॉर्मेंस दिए जा रहा है भाई। ठीक है, तो इनको कतई हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, इनको आप लोग टीम में लेकर के जाएंगे। जोया बंस आते हैं, यहाँ 91 बंदा बना रहा है, 55 बना रहा है, 113 बना रहा है, 31 बना रहा है। ठीक है, तो इनको क्यों ना हम लोग अपने टीम में लेकर के जाएं, तो बिल्कुल हम लोग अपने टीम में लेकर जाएंगे, परफॉर्मेंस में लाजवाब वाली कहानी है, इंपॉर्टेंट बंदा बनेगा। उस्मान ख्वाजा को देखेंगे ना, 30 रन है, 7 रन है, 3 रन है, 114 रन है, इनका भी जो किस टीम का कैप्टन है भैया, ऑस्ट्रेलिया टीम से अभी ड्रॉप आउट चल रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम अभी आपको दिख रही होगी कि सेमीफाइनल पहुंच चुकी है, लेकिन ये बंदा खेल ले रहा है उस्मान ख्वाजा, यहाँ पे खेलता हुआ दिखेगा, टीम से बाहर हो चुका है, तो ये अपना पूरा प्रयास करेगा कि इस डोमेस्टिक में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके अपने जो ओरिजिनल टीम है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम से रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो ये ध्यान देना। जैक क्लेटन अब इनका देखोगे तो 0 रन 109 रन है, 96 रन है, 10 रन है, 5 रन है, कुल मिलाकर जैक क्लेटन भी ठीक ठाक आपके लिए करते हुए दिखेंगे। इनके टीम में बहुत ऐसे अच्छे खासे प्लेयर भरे पड़े हैं जिनको आप अपने टीम में लेकर के जा सकते हो। जेमी पियर्सन जो कि इस विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको दिख जाएगा, 25 रन है, 106 रन है, 32 रन है, 52 रन है, 28 रन है, 61 रन है, 13 रन है,
कुल मिलाकर जो ये मैंने जो बता रखा ना भाई, ये सारे वो सारे के सारे 2023 यानी कि ये जो मुकाबला इस साल जो इन्होंने खेल रखा है ना टेस्ट में, वो सारा मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये भी ध्यान रखना, राइट हैंड बैट्समैन प्लस विकेट कीपर, विकेट कीपिंग का पॉइंट अलग देगा, प्लस आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देने वाला है। तो ये इनको बिल्कुल भी हम लोग क्या करेंगे, मिस नहीं करेंगे, ठीक है। माइकल लेसर दिख जाएगा आपको यहाँ से, 18 रन, 3 विकेट है, 140 रन है, 90 रन है, 1 विकेट है, फिर 1 रन, 51 रन, 2 विकेट है, कुल मिलाकर परफॉर्मेंस दिया जा रहा है आपको, ठीक है। बोल रहा है भैया कि लेकर के जाओ मुझे, नहीं लेकर के जाओगे तो फिर आप फंस जाओगे। देखो बिकॉज आप देख रहे हो ना यहाँ पर, देखोगे ना तो 140 है, 90 है, तो क्यों ना हम लोग अपनी टीम में लेकर के चले जाए, ठीक है। तो लेकर के जाने में ज्यादा बेटर है। जैक विल्डमोट आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, राइट हैंड बैट्समैन है, इनका 17 ओवर में 1 विकेट है, फिर यहाँ पर 52 रन है, फिर 14 रन है, फिर 2 विकेट है, 2 विकेट है, 20 रन की विकेट है, 21 रन है, कुल मिलाकर के परफॉर्मेंस दिए जा रहा है भाई, ठीक है। तो लेकर के तो जाना बनता है, ठीक है। तो अब आप तो सोच रहे होगे भैया सबको बोलते रहे हो कि लेकर के जाना है, तो भैया उसमें से सिलेक्टिव बंदे को लेकर के जाना है जिनका सबसे अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। मैंने तो आपको स्टैट्स सारे कुछ निकाल करके यहाँ पर लिख दिया है, अब आपका काम आता है ना कि आपको किसको बंदे को लेकर के जाना चाहिए। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, या आप पर्सनली मुझसे मांगोगे ना टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं पर्सनली आपको दे दूंगा यार, आप जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, गुरिंदर सिंधु 3 रन 2 विकेट है इनका, 3 विकेट है भैया, 32 रन बना रहा है, 3 विकेट यहाँ पर भी निकाल रहा है, फिर 4 विकेट यहाँ पर भी निकाल रहा है, तो भैया क्यों ना हम लोग अपने टीम में लेके जाए, क्यों ना लेके जाए, ठीक है। तो गुरिंदर सिंधु नाम याद कर लेना, बंदा बहुत ही तगड़ा है, मार्क अस्टेकेटी, ये सारे जो बॉलर है ना, ये सारे बीबीएल के बॉलर है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि सारे जो ये बंदे हैं बीबीएल में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, और यहाँ पर डोमेस्टिक में तो और भी गर्दा वाला कह किए जा रहा है लोग। तो यहाँ देखो तो 1-1, 2-2 विकेट, 4-4 विकेट निकाल करके आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि क्वींसलैंड की टीम आराम से विक्टोरिया की टीम को यहाँ पर हरा देगी, ठीक है। मिचेल स्वैप्सन, इनका भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, 3 विकेट 2 विकेट 5 विकेट निकाल के आ रहा है 17 ओवर में, यहाँ देख लो 2 विकेट है, यहाँ पे 3 विकेट है। तो भैया लास्ट वाले मुकाबला में कैसे मैंने विन कराया था ये भूलना मत, ठीक है। आपको मालूम होगा कि प्लंकेट शील्ड जो था ना, जैसे देखो ऑस्ट्रेलिया में चलता है तो डोमेस्टिक टेस्ट, तो उसको हम लोग शीफील्ड शील्ड बोलते हैं, और न्यूजीलैंड में चलता है उसको प्लंकेट शील्ड बोलते हैं, और यही इंडिया में चलता है तो रणजी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्लंकेट शील्ड अभी जो चला था न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड का भी डोमेस्टिक टेस्ट चल रहा है, उसमें लास्ट वाले मुकाबले मैंने इतना जबरदस्त पल आपको जितवाया, बोलने की जरूरत नहीं है। अब इनका देखो तो लियान गुत्री खेलते हुए आपको शायद दिखेंगे नहीं, हालांकि स्क्वाड में इनका नाम डाल दिया गया, और बाकी सारे आते हैं बेंच के प्लेयर, और इनमें से कोई खेलता है विद स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, जो कि खेलेगा है नहीं। तो भैया सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया, अब बात आती है कि वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है, इस तरह का वीडियो जो मैंने अभी लेकर के आया हूँ आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज आपको अच्छा लगेगा तो ही मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो फिर मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया भाई, आई होप अभी तक तो समझ गए होगे। और बात रही ड्रीम इलेवन टीम की, तो भैया वो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, ठीक है, बिकॉज इस बार तो मैं नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम का टीम भी दिख जाएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नए द ट्रिक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद।